गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं क्लासिक की चेन स्पॉकेट चेंज करने का प्रोसेस। ये सिंगल डिस्क ब्रेक है खाली फ्रंट में, रियर डिस्क ब्रेक नहीं है। फिर नेक्स्ट कोई ब्लॉग में रियर डिस्क ब्रेक का भी मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे कैसे ये आगे फर्दर चेंज होती है। चलिए आगे दिखाते हैं। अभी तो वो उसने खाली रियर टायर रिमूव किया है, आगे वो इसका ऑयल चेंज नहीं होगा, इसलिए उसकी ट्रे को अच्छी तरह से क्लीन कर रहा है सो दैट कि उसमें ऑयल गिर सके। चलिए जब वो प्रोसेस आगे करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये स्पॉकेट का हाल है, एक भी तीस इसके बचे नहीं है। अब आ गया है इस पॉकेट खोलने के लिए, उसके मैग्नेट कवर को खोला जाएगा। इसके अंदर स्पॉकेट बैरिंग है, उसको निकाल लिया जाएगा और नई स्पॉकेट में फिट कर दिया जाएगा। ये फ्रंट मैग्नेट पैकिंग ओपन हो गई है, इसमें से अच्छा ऑयल उस ट्रे में गिर रहा है। उसके बाद इसकी आगे वाली पॉकेट खोली जाएगी। हेलो, आगे वाला पॉकेट भी पूरा। आगे वाली पॉकेट भी देखिए पूरी कितनी शार्प हो चुकी है। और ये कितने डस्ट से भरी हुई है क्योंकि इसके अंदर कवर नहीं होता। किक ऑयल सील इसकी लीक है, इसलिए मैं किक ऑयल सील, अंदर वाली सेकंड ऑयल सील एंड स्पॉकेट ऑयल सील भी चेंज करूँगा। मैग्नेट पैकिंग भी फट चुकी है, ये देखिए कवर पैकिंग भी लगेगी। तो पलट तो इसको धो दिया ना, ये आर्मेचर है, ये ऑयल पंप के बाहर में लगने वाला ऑयल फिल्टर की जगह, ये किक ऑयल सील है। ये किक ऑयल सील चेंज करते हुए ज़्यादा महंगी नहीं है, खाली 17 रुपीज़ की, इसलिए हम लोग चेंज कर देते हैं किक ऑयल सील को। इन फ्यूचर अगर इसको लगाने के बाद कभी लीकेज वगैरह ना करे, जिसके कारण फिर से हमको इस मैग्नेट कवर को खोलना पड़े और फिर से लगाना पड़े। टाइमिंग कस्टमर की भी ख़राब होगी, मेरा भी टाइम ख़राब होगा और वर्क में भी शो होगा कि मैंने अच्छी तरह से नहीं किया, इसलिए मैं इसको 17 रुपीज़ की ऑयल सील को चेंज कर देता हूँ। ये ऑयल पंप लगा हुआ है, ऑयल सील, मैग्नेट पैकिंग, चेन पॉकेट, सब कुछ ओरिजिनल। ये चेन, ये आगे वाली पॉकेट इसकी, एंड ये रियर पॉकेट। ये मैग्नेट कवर की गैस्केट लगा रहे हैं। ऑयल पंप की ओरिंग भी हम डालने लगे हैं इसमें। ये छोटी सी ऑयल पंप की ओरिंग है, ये अगर पतली हो जाए या ना लगे तो ऑयल प्रेशर से ऊपर नहीं चढ़ता रॉकर्स वगैरह में और इंजन
पे बहुत हार्म होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ये 6 रुपए की ओरिंग है, इसको भी जब चेंज पॉकेट डाले तो हम लोग इसको नया डाल देते हैं। ये फाइनल चेकअप हो रहा है इसका टाइट के बाद। इसके ऊपर एक पॉकेट नट का भी लॉक रहता है, उसको भी ये लॉक कर दिया जाएगा। अभी इससे क्या है कि अगर नट ढीला भी हो जाए कभी तो लॉक ना ढीला करने देगा ना ही कभी कुछ होगा। ये ऑयल पंप है जिसमें ये ग्रीस लगा रहा है, ये लगा दी इसमें ओरिंग, ऑयल पंप की ओरिंग। इससे अब ये क्लीन भी कर दिया कि ग्रीस वगैरह ऑयल पंप में जाके ना फंसे, जिसके कारण ऑयल को प्रेशर से ऊपर जाने में कोई हार्म ना हो। ये मैग्नेट पैकिंग लगा दी गई इसमें, ये इसकी मैग्नेट आर्मेचर की रबड़ में भी गैस्केट बॉन्ड लगा दी गई है, जिसके कारण यहाँ प्रेशर से ऑयल ऊपर ना फेंके या कोई ऑयल की लीकेज वगैरह ना हो। ये देखिए प्रॉपर तरीके से सील कर दिया गया है इस मैग्नेट कवर को। इसमें लॉक लगा चुके हैं, अब इसको खाली फाइनल एक बार टाइट करना है। ये हमारे छोटू की स्पीड देखिए, इतनी स्पीड से कोई घुमा सकता है? देखो ये कलाकारी है छोटू जी। ये स्पॉकेट वायरिंग में ग्रीसिंग करते हुए ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से स्पॉकेट वायरिंग में ग्रीस डाल दी जाती है, जबकि ये सील्ड वायरिंग रहते हैं फिर भी इसमें ग्रीस डाली जाती है सो दैट इसकी लास्टिंग थोड़ी लॉन्ग रहे। ये स्पॉकेट है, ये देखिए इसकी सील लग गई अब ऊपर से। ये स्पॉकेट में बैरिंग ठोक दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा। अब इसके ऊपर लगने के बाद डस्ट ऑयल सील भी लगाई जाएगी, उसके बाद ये ब्रेक शू में रफ सैंड पेपर लगा के इसको फिट किया जाएगा। ये है चेंस पॉकेट की फुल फिटिंग आपको जो दिखाई गई है। चलिए आगे और कुछ आपको ब्लॉग में मिलेगा कुछ नया सीखने को तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। बारिश के चलते आज मैं आपको प्रॉपरली तरीके से सब कुछ नहीं दिखा सक रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश और हवा चल रही है, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कुछ ना कुछ अलग सा किया हुआ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो नहीं जानते कि चेंस पॉकेट चेंज करने का क्या प्रोसेस है, एंड सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट मैं मोटिवेट होके और ज़्यादा आपको नए नए कंटेंट देता।